क्या हुआ अंश? गंगा जल खत्म हो गया। ये भगवान, अब अब क्या करेंगे अंश? मम्मी, अब इस डैन वृक्ष की जड़ों से हमें कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा मत कहिए। बाबा है ना, वो हमें यहाँ से बाहर निकालने की जरूर कोशिश कर रहे होंगे। क्या बात कर रही हो पिया? वैसा सुर से लेके अभी तक एक बार भी ऐसी नहीं हुआ कि निशान जी ने हमें किसी मुसीबत से बचाया हो। वो तो हमेशा बोलते तुम कुछ नहीं पता। चुप चुप बोलो चेताली, इस बार निशान जी जरूर सफल होंगे। मैं अभी को ढूंढ रहा था, आपको पता है कि वो डायन शीशा कहाँ है? हमें उसे तोड़ना होगा। इस डायन हीरे से निशान जी को बताना होगा कि वैश्री जी के रूप में डायन घूम रही है। निशान जी, लाइए डायन हीरा, मुझे दे दीजिए, मैं जाकर शीशे को तोड़ देती हूँ। लाइए। नहीं वैश्री जी, ये काम इतना आसान नहीं है। डायन शीशे को तोड़ने के लिए मुझे इस हीरे के साथ शीशे के अंदर जाना होगा, क्योंकि अगर शीशे को बाहर से तोड़ा गया तो फिर सब शीशे के अंदर हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएंगे। निशान जी, आप रीवावंशी हैं, आप काली शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। शीशे के अंदर मैं जाती हूँ और शीशे को मैं तोड़ती हूँ। तब तक ये ध्यान रखिएगा कि वो डायन शीशे को बाहर से तोड़ने की कोशिश ना करे। ताइए ये डायन हीरा मुझे दीजिए। लेकिन क्या सोच रहे निशान जी? सोचने का वक्त नहीं है। हे भगवान, कहीं ये डायन हीरा निशान जी इस डायन को न दे दे। समझ क्यों नहीं रहे? अगर आप अंदर चले गए शीशे के और उस डायन ने शीशे को बाहर से तोड़ दिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे परिवार के साथ अंदर कैद रह जाएंगे। बस इसीलिए आपका बाहर रुकना ज्यादा जरूरी है। निशान जी क्या सोच रहे हैं? सोचने का वक्त नहीं है। लाइए ये हीरा मुझे दीजिए। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, अपनी चिंता करो। आपको क्या लगता है दादी, नानू पापा उस डायन दादी को हरा देंगे? सच जानना चाहते हो या झूठ? मम्मा हमेशा सच का साथ देने के लिए कहती हैं, और आप भी सच बोलिए। अपने नानू पापा से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, मुझे नहीं लगता है उनसे कुछ होगा। तुम्हारे माँ बाप और बाकियों की तरह वो भी बहुत बड़े खतरे में है। ओ निशान जी, अब आपको पता चल ही गया तो मुझे संस्कारी देवी बनने का नाटक करने की जरूरत ही नहीं। लाइए वो हीरा मुझे दे दीजिए। कभी नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाइए निशान जी, मैं सिर्फ दिखने में वेदश्री जैसी हूँ, उसकी तरह बेवकूफ और कमजोर नहीं। हीरा मुझे दे दो, वरना तुम तो जानते हो ना एक डायन कितनी खतरनाक हो सकती है। ला जल्दी से दे दो हीरा, कम ऑन। फिर तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि रीवा वंशी एक डायन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तुम जैसी न जाने कितनी डायनों को पकड़ चुका हूं, अब तुम्हारी बारी। ये भगवान, माँ को बचाने के लिए बाबा को वो हीरा उस डायन को देना ही पड़ेगा। अब हमारा यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। नहीं पिया, हम हारेंगे नहीं। जब तक हम साथ हैं तब तक उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर बाहर से मदद मिलना इम्पॉसिबल है तो हम अंदर से कोशिश करेंगे। हाथी और परी के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हमेशा की तरह। क्या निशान जी, अब आप मुझे ऐसे खिलौनों से डराने की कोशिश करेंगे?
हाँ? जरा हटाइए इसे और अपनी ये तीखी नजर उस तरफ मुड़ी। इन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो डायन हीरा मुझे दे दो। नहीं निशा जी, निशा जी ऐसा मत करना। डायन हीरा इसे मत देना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बस मेरे घर वालों को बचा लीजिए। बेवकूफ, ये नाटक बंद करो कलाश्री। इतना तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी जुड़वा बहन को मारोगे नहीं, क्योंकि उनके बगैर तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। वाह निशान जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं। लगता है संस्कारी देवी ने आपको सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपनी बेवकूफ बहन को जिंदा रखना तो मेरी मजबूरी है, मगर इसके परिवार वालों को जिंदा रखना मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आई डोंट नीड देम, बल्कि मुझे तो उन्हें मारने में बहुत खुशी होगी। आखिरी बार बोल रही हूं, वो डायन हीरा मुझे दे दीजिए, वरना शीशे में जितने लोग कैद हैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद होके रह जाएंगे। चलिए लाइए, लाइए ना वो डायन हीरा मुझे दे दीजिए। नहीं कलाश्री नहीं, कितना टाइम हो गया, ना मम्मा पापा आए ना नानू पापा। दैट मींस यू सच में किसी प्रॉब्लम में। वरना दादी प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। उसके लिए मुझे इस पाताल केत की जाल से बाहर निकलना होगा, जो मैं नहीं कर सकती। हाँ लेकिन आदि इसमें मेरी मदद जरूर कर सकता है। नो वे, मम्मा पापा ने आपको किसी रीजन से यहाँ पे ट्रैप करके रखा था, हम आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। आदि अगर हम यहाँ से दादी को फ्री नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी हेल्प कैसे करेंगी? लेकिन उस प्रॉमिस का क्या जो हमने मम्मा से किया था? नहीं नहीं, मैं मम्मा को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। तुम्हें अपनी माँ प्यारी है या माँ से किया वादा? आदि तुम चाहते हो क्या कि मम्मा पापा को कुछ हो जाए? लेकिन मुझे पाताल केत की जाल तोड़ना नहीं आता है। दीवार के आर पार जाना तो आता है ना? हाँ, लेकिन हम दीवार तक भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि पाताल केत की जाल चारों तरफ है। चारों तरफ है लेकिन नीचे नहीं है। आखिरी बार बोल रही हूँ, डायन हीरा मुझे दे दो। निशा जी दे दीजिए इसे डायन हीरा, वरना ये शीशा तोड़ देगी। अगर मैंने ये डायन हीरा इसे दे भी दिया, उसके बाद भी ये किसी को नहीं छोड़ेगी। तब की तब देखेगी निशा जी। अभी फिलहाल अब वही कीजिए जो ये कह रही है। समझने की कोशिश कीजिए वेदश्री जी, अगर मैंने ये डायन हीरा इसे दे दिया उसके बाद हम अंश गुड़िया और बाकी सबको शीशे से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और आपको क्या लगता है हीरा पाने के बाद ये किसी को छोड़ेगी? शट अप! कितनी बकवास कर लेते हो आप लोग, मेरे तो सर में दर्द हो गया। नहीं देना है मुझे हीरा। हाँ ठीक है। Thank you.
चढ़े हमारी तरफ बढ़ती जा रही है। चैताली भगवान, पापा को इतनी देर क्यों लग रही है? अब तो तूने हेल्प भेज देनी चाहिए थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। देख रही है, तेरा पति तेरे गहने चुरा रहा है, वो भी उस तावी के लिए। हमारे पतिदेव जी हमारा सोना लेके जा रहे हैं। अरे 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 अरे, मैंने तो सुना था एकायन सबसे शक्तिशाली होती है। मुझे लगा था टक्कर का मुकाबला होगा, मगर तुम तो मेरे महाडायन रूप से ऐसे डर गई कि तुमने इस फैमिली को बचाने के लिए अपनी एक आंख दी थी। सीनियर सिटीजन डायन बनी एक आंख वाली एकायन। And you? कितने ब्रेव बच्चे हैं ये, क्या खाते हो रोज? हाँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं कि 8 साल की उम्र मरने वाली उम्र नहीं होती। तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे डायन शीशे में कैद है। तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों बचाओगे इन्हें मुझसे? अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? Wrong question. Correct question is कि आपको हमसे कौन बचाएगा? तो तुम दोनों अपनी इस सीनियर सिटीजन एक आंख वाली एकायन दादी के साथ अपनी पूरी फैमिली को बचाने आए हो? फैमिली को बचाने ये आए होंगे। मैं यहां इसलिए नहीं आई हूं, मैं दूसरों को नहीं खुद को बचाने में यकीन रखती हूं। आज नहीं तो कल मुझे महाडायन का सामना करना ही है, तो मैंने सोचा जब महाडायन का सामना करूं तो उसकी जान लेने से पहले उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो। मोना, इसलिए मैं यहां अपनी दूसरी आंख लेने आई हूं। ऐसा मत करना मोना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, ऐसा मत करना मोना। नहीं! मोना, क्या कर रही हो? चुपचाप ये हीरा मुझे दे दीजिए रीवावंशी जी, मैं इसे इसकी सही जगह रख दूंगी। मोना, मोना क्या कर रही हो तुम? यही एक तरीका है परिवार को बचाने का। छोड़ो मुझे, देखो मेरी बात समझो। इन सब ने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की तुम्हें इस घर में लाने के लिए, अब तुम्हारी बारी। नहीं खत्म अंश, बस अफसोस इस बात का है कि जाने से पहले एक बार आदि और परी को गले लगा लेती। नहीं पिया, दावंश और दैविक की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। लाए, सोना लाए क्या? हाँ लाए लाए लाए। हाँ तो खिलाओ, जल्दी मुझे खिलाओ। ऐसे कैसे खिला दे, इतने बेवकूफ दिख रहे हैं कहाँ कि मालूम पड़ा यहाँ तुमको खिलाए, तुम जैसे ठीक हुए तो तुम कहीं फिर से हमको सोने वाला आदमी बना दो तो क्या गारंटी है कि तुम पलटोगे नहीं? गारंटी? सुनो, सच तो ये है ना कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, और हाँ मेरे अलावा ना तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता। क्या सोच रहे हो? देखो, जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है उतनी तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए टाइम पास मत करो, खिलाओ जल्दी से मुझे सोना खिलाओ। पक्का पलटोगे नहीं? अरे नहीं भाई। लो। मोना, मैंने क्या कहा था तुमसे? तलाश लेगी? क्या कर रही हो? मैं
ऐसा मत करो मोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत करो, ऐसा मत करो, मत करो। चुटकी, तुम तो जानती ही हो, लड़ाई कोई भी हो, मैं उसका साथ देती हूँ जो जीतने वाला हो। और इस लड़ाई में किसका साथ देना है ये मैंने चुन लिया है। और तुम्हारे गिरगिराने से मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। लाओ मेरा डायन हीरा मुझे लौटा दो। मोला क्या कर रही हो तुम? सकता है, जरूर बाबा ने ये हीरा हमारे लिए भेजा है। जो चीजें बाहर है वो अंदर भी है, जैसे गंगा जल था। आदि परी, एक बात समझ लो, हम तीनों कालाश्री से नहीं लड़ सकते क्योंकि उसने पूरे परिवार को शीशे के अंदर कैद कर रखा है। इसका मतलब हम हार गए? नहीं, हम इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। हम लड़ेंगे नहीं लेकिन जीतेंगे जरूर। ऐसे कैसे होगा दादी? हमें उस हीरे को तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंचाना होगा। लेकिन वो दादी की इविल डुप्लीकेट तो भारी है। और डुप्लीकेट इविल फैमिली भी उसके साथ है। फिर हम अपनी रियल फैमिली के पास मिरर के अंदर हीरा कैसे पहुँचाएंगे? हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हीरा सबके हाथ से निकलकर आईने के सामने आएगा, आईने में हीरे का अक्स नजर आएगा। मतलब मम्मा पापा उस हीरे के रिफ्लेक्शन को यूज करेंगे? हमें बस हीरा आईने के आगे पहुंचाना है। आज ये हीरा उस जायर के हाथों नहीं लगना चाहिए। अगर उसने ले लिया तो यहाँ से ये हीरा गायब हो जाएगा। हाँ भैया। मामले हीरा नहीं है। अंश, अंश शायद इसी से हम बाहर निकल सकते हैं। जल्दी से मिरर को काटो। हाँ भैया, जल्दी कर, यही हमारी आपसे उम्मीद है। अरे वाह, तुम्हारा धन्यवाद। लाओ मेरी लाठी मुझे दो। अरे तुम्हारी लाठी हम लौटा देंगे, तुम चिंता मत करो यार। लेकिन पहले अपना वादा पूरा करो। जैसे हमने अपना वादा पूरा किया तो अब जो तुमने हमसे वादा किया है, हमारे साथ काली शक्ति को शिकार करवाओगे, वो वादा पूरा करो भाई, लाठी ले लो। नमन, नमन कहाँ हो तुम? अबे यार, ये साबी को अभी आना था। पहले से हमको टास्क दे रखी है, काली शक्ति का शिकार करना है। अबे यार, क्या हुआ?
तुम कहाँ की आ रहे हो? देखो जाकर के अपने हिसाब भर कोई जगह देखो और जाके वहां छुपो, नहीं तो आ जाएगी, देख लेगी ना तो स्टॉप ब्लॉक में फिर से तुमको फ्रेम बना देगी, समझे? भागो यहाँ से, कटो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अंश जल्दी से शीशा काटो। तुम शीशे के पास जा पाओगे तभी तो डाइन वृक्ष की जड़ों को कंट्रोल कर पाओगे, और तभी हम सर इस शीशे से बाहर भी निकल पाएंगे। अंश सोच क्या रहे हो, जल्दी काटो। पहले के ये लोग शीशा काट कर बाहर आने की कोशिश करे, मैं शीशे को ही तोड़ देती। नहीं, नहीं। कभी कभी खिलौने भी बहुत काम आ जाते हैं, है ना कलश्री? के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।